अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुलसुम जमील एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोकोनट ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे। वैसे तो हम अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाते हैं जो बहुत महंगी होती हैं और हमें पसंद आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे घरों में होती हैं और हमें उसके फ़ायदे नहीं पता होते। लेकिन आज मैं आपको कोकोनट ऑयल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगी। वैसे तो हम इसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होता है। मैंने ये खुद बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और मैं हर चीज़ के लिए इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन स्किन के लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊँगी कि ये अगर आप अपने फेस के लिए यूज़ करेंगे तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखेगा, यानी आपको आपकी स्किन बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होगी अगर आप फेस पे लगाते हैं। सर्दियों में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको आप गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाहर निकलें, जैसे फॉर एग्जांपल आप धूप में जाते हैं, तो अगर आप बजाय किसी क्रीम के तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखता है। अगर आप सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई होने से रोकता है, आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। इतने ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स जो हम क्रीम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं उनसे वो भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये है कि अगर आपके पास कोई क्रीम नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल अपने घर में लाजिम कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगी, आप सर्दियों में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं फेस पे, अपनी बॉडी पे। फिर इसके अलावा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, आपकी स्किन पे चिपचिपापन नहीं आता अगर आप इसको बॉडी में कहीं पर भी, फेस पर भी, अपने लाइक आर्म्स पे, कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में चिपचिपापन नहीं आता और ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ रखती है और आपको डर्ट से जो है वो मिट्टी से, डर्ट से, बाहर के जर्म से आपको प्रोटेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है ये कोकोनट ऑयल और बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, लाइक दूसरे ऑयल की तरह बिल्कुल भी नहीं है ये। फिर एक और चीज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि आपकी एक्नी जो होती है, लाइक फेस पे अगर आपको कभी एक्नी हो जाती है तो अगर आप इसको कोकोनट ऑयल को यूज़ करेंगे तो आपकी एक्नी जो है वो भी रिमूव हो जाती है। यानी अगर आपका एक्नी बन रहा है फेस पे है या बॉडी में कहीं पर भी है, आर्म्स पे है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपके वो पिंपल्स वगैरह चले जाते हैं। फिर उसके बाद आप इसको लाइक अगर आपके फेस पे कोई निशान है, रिंकल्स वगैरह हैं, तो आपको ये कोकोनट ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपकी स्किन पे। प्लस जो है ये एंटी एजिंग होता है, तो आपकी स्किन में लाइक इरिटेशन होती है, ख़ारिश होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी खुशबू भी ऐसी है कि आपको इसकी खुशबू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खुशबू भी बहुत अच्छी है। वो डिपेंड करता है कि काफ़ी लोग उस कोकोनट ऑयल को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा, मुफीद और फ़ायदेमंद होता है। जी तो नाज़रीन, मैं ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आए या आप यूज़ करना चाहें, आप कोकोनट कोई भी कोकोनट ऑयल किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो स्किन जो है वो आपकी स्किन पे सूट करे उस ब्रांड का कोकोनट ऑयल। तो आप थोड़ा सा यूज़ करके चेक भी कर सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपनी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, रैशेज, इरीटेशन, आप बिला झिझक जो है वो कोकोनट ऑयल यूज़ लाजिम कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे आपको स्किन पे फ़ायदे मिलेंगे, फ़ायदे पता चलेंगे। आप यूज़ करें और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी मेरी वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसके लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अगली रिव्यू के साथ। उतनी देर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।